हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी आप अपनी ड्राइंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 5 टिप्स के द्वारा आप अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो। माय नेम इज़ वनिता सिंह और आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में आप ड्राइंग के रिगार्डिंग हर वो चीज़ सीखोगे जो आपको ज़रूरत है। कोई भी बिगनर्स हो या अपर लेवल का स्टूडेंट हो तो वो आप ज़रूर इन वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे ड्राइंग इम्प्रूवमेंट की। अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें डेली 5 टिप्स का यूज़ करना चाहिए। नंबर 1, ड्रॉ एवरी डे। ड्रॉ एवरी डे मीन्स ड्रॉ एवरी डे, आपको रोज ही ड्रॉ करना है। अगर आप रोज ड्रॉ नहीं करते हो, गैप कर कर के आप ड्रॉ करते हो, तो आपको आपकी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगी। जब आप ड्रॉ लगातार कंटिन्यूसली डेली 5 मिनट देते हो या 10 मिनट देते हो, जितना भी आपके पास टाइम है, मॉर्निंग में है, शाम को है, जब भी आप टाइम निकाल सको, तब आप अपनी ड्राइंग को 5 मिनट देते हो, तो आपके वो फील आएगा, महसूस होगा कि हाँ आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको एवरी डे ड्रॉ करना है। ये हमारी नंबर 1 टिप थी। अब आता है नंबर 2, बी पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। ड्राइंग एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। आप इसमें जल्दबाजी में कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। एक चीज़ को आप 10 बार ड्रॉ करोगे तो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे उसको। फिर आपको उसकी टेक्निक पता चल जाएगी और आप उसको आराम से ड्रॉ कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ और वो मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में मुझे ड्रॉ हो ही जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा। आप पेशेंस रखिए, आप 2 महीने 3 महीने लगातार कंटिन्यूस एवरी डे ड्रॉ करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ड्रॉ हो रही है। अब उसी पेशेंस के साथ आप लगातार ड्रॉ करते रहिए। नंबर 3, मेक मिस्टेक्स। जी हाँ, आप गलती करेंगे तभी आप इम्प्रूवमेंट होगे। ड्राइंग तभी इम्प्रूवमेंट कर पाएगी जब आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। जो भी गलती आप करते हो, कोई भी आप गलती करो, तो उससे डरिए मत। आप होपलेस मत होइए कि बार बार मिस्टेक हो रही है तो अब मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, करूँगा या करूँगी, जो भी है, आप गलतियां करिए और उनसे नेक्स्ट जब आप बनाते हो तो उनसे सीखिए कि जो आपने गलती पहले करी थी उस गलती को आप नहीं दोहराओगे। तो गलतियां करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गलती करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये गलती हम अगले बार नहीं करेंगे। नंबर 4 है, यूज़ एवरीथिंग। यूज़ एवरीथिंग मतलब कि यूज़ एवरीथिंग, हर चीज़ आप यूज़ करिए ड्रॉ करने के लिए। आपके सराउंडिंग में कुछ भी पड़ा हो, आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉपी पेन आपके हाथ में नहीं है तो आप माइंडली ड्रॉ करिए, कि माइंड में आप ये सोचिए कि आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे जब आप उसको अगर ड्रॉ करना चाहो तो। और अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आप उसको जो भी आपके पास है, आपके सराउंडिंग में रखा हुआ है, चाहे वो किताब हो, कॉपी हो, डिब्बा हो, पेंसिल हो, कोई भी पॉट हो, स्केल हो, आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी है, बैठे बैठे माइंड में सोचते रहना है डेली। नंबर 5 आता है, फाइंडिंग योर स्टाइल।
देखिए, जब आप बहुत सारे आर्टिस्टों को देखते हो यूट्यूब पे या कहीं भी, जो कि वो इस तरीके से काम कर, तो आप उनके तरीके से काम नहीं कर पा सकते। कोई भी किसी दूसरे के तरीके से काम, वो क्या सोच के काम कर रहा है, क्या सोच के कलर लगा रहा है, क्या क्या वो टेक्निक यूज़ कर रहा है, आपको उस चीज़ का नहीं पता है। बेसिक फंडामेंटल आपको पता हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से क्या सोच के कर रहा है वो आपको नहीं पता। तो आप उनको देखोगे जरूर, देख लिए, सीखिए, लेकिन जब आप उसको अपने स्टाइल में बनाते हो, अपने स्टाइल में ड्रॉ करते हो, या अपने स्टाइल में कुछ भी आप कलर करते हो, वाटर कलर हो या फिर ऑयल कलर हो या पेस्टल कलर, कुछ भी कलर हो, या आप ड्राइंग की कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको देख के या किसी के जो देख रहा है उसके स्टाइल में ड्रॉ नहीं करोगे। आप उसको अपने तरीके से सिंपल वे, सिंपल में करने की कोशिश करोगे। आप उसको वो ही करना है आपको, वो ही आपका अपना स्टाइल होता है, वो ही आपका अपना स्टाइल बन जाएगा। तो उसी तरीके से आपको अपना स्टाइल खोजना है, और उसी वो ही आपका बाद में स्टाइल बन जाता है। तो ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी ड्राइंग में। आप इनको डेली फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग।